नमस्ते दोस्तों, हमारे घर में कभी ऐसा होता है कि पैसे आते तो है पर वो टिकते नहीं है, या कभी ऐसा हो रहा है कि घर में पैसे आ भी नहीं रहे हैं। तो आज हम जो उपाय करेंगे, हमारे वीडियो में देखेंगे कि जो उपाय हम आज बताएंगे उससे आपके घर में धन की आवक भी होगी और आपके घर में पैसा टिकेगा भी। कई बार खूब मेहनत करने के बाद भी घर में पैसों की तंगी बनी रहती है। तो दोस्तों, आज हम जो उपाय बताएंगे उससे हमारे घर में जो पैसों की तंगी होती है वो भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी माँ लक्ष्मी जी को मानते हैं तो कमेंट में जरूर माँ लक्ष्मी बोलिएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरे इस चैनल गुरु भक्ति में आप सभी का स्वागत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पैसों की समस्या को दूर करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं जिससे घर में धन और वैभव बढ़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में सुख शांति की कमी हो, धन आवक नहीं हो पा रही हो, घर के सदस्यों में एकता की कमी हो, नौकरी व्यापार में परेशानी आ रही हो, तो इस सरल से उपाय को करने से घर के मुख्य दरवाजे के उपाय को करने से सभी परेशानियां उल्टे पांव भाग जाएगी। पैसों की तंगी दूर करने के लिए घर में मुख्य दरवाजे के अंदर और बाहर गणेश जी की दो प्रतिमाएं इस तरह लगाइए कि उनकी पीठ एक दूसरे से जुड़ी रहे। ऐसा करने से घर की सभी तरह की बाधाएं दूर होने लगेगी और आपके घर में सुख संपत्ति का आगमन होने लगेगा। अचानक घर में धन आवक में तेजी से वृद्धि होने के लिए घर के मुख्य द्वार के ईशान कोण में तुलसी का पौधा रखे। प्रतिदिन प्रातः काल उसमें जल अर्पित करें तथा सायंकाल घी या तिल के तेल का दीपक जलाकर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इससे आने वाले परेशानी पहले ही हल हो जाएगी। नियमित पूजा करने से घर के सदस्यों में आत्मविश्वास और एकता बढ़ने लगती है। इसलिए पूर्व या उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी रोज पूजा करें। अगर घर में वास्तु दोष है तो घर की छत पर तुलसी का पौधा गमले में लगाएं। साथ ही ऐसा करने से घर में आकाशीय बिजली गिरने का भी भय नहीं रहता है और आपका घर परेशानियों से सुरक्षित रहता है। वास्तु दोष से बचने के लिए घर के ईशान कोण में 5 तुलसी के पौधे लगाएं तथा उनकी नियमित सेवा करें। देवी देवताओं के चित्र कभी भी नैऋत्य कोण में नहीं लगाने चाहिए, अन्यथा कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझने की पूरी संभावना बनी रहती है। पूजा घर में किसी भी देवी देवता की एक से अधिक मूर्ति या चित्र न लगाए अथवा कलह कलेश की संभावना बनी रहती है। किसी भी दो देवता की तस्वीरें इस प्रकार न लगाए कि उनका मुख आमने सामने हो, इससे घर में समस्याओं का आगमन निश्चित है। कभी भी दक्षिण की दीवार पर दर्पण न लगाए। दर्पण सदैव पूर्व या उत्तर दिशा के दीवार पर ही होना चाहिए। घर की तिजोरी का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जिससे आपके घर में लक्ष्मी जी की कभी भी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।